नमस्कार, मैं हूं तोरल और आप देख रहे हैं तत्काल न्यूज लाइव। दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को सीबीआई कोर्ट ने फिर से 2 दिन के लिए सीबीआई रिमांड पर भेज दिया है। विशेष सीबीआई कोर्ट एम के नागपाल की कोर्ट में मनीष सिसोदिया की तरफ से वरिष्ठ वकील धन कृष्ण और सिद्धार्थ अग्रवाल कोर्ट में पेश हुए। सीबीआई ने मनीष सिसोदिया की फिर से 3 दिन की रिमांड मांगी थी। सीबीआई ने कोर्ट से कहा कि सिसोदिया जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं। अब जमानत पर अगली सुनवाई 10 मार्च को 2 बजे सुनवाई होगी। सीबीआई ने कोर्ट से कहा कि गवाहों के सामने सिसोदिया को बिठाकर पूछताछ करनी है। कुछ दिल्ली सरकार के अफसरों के साथ बिठाकर पूछताछ की गई है, साजिश की जांच करनी है, कुछ डिजिटल एविडेंस है उन्हें रखकर पूछताछ करनी है। जज ने सीबीआई से केस डायरी मांगी और पूछा कितने घंटे पूछताछ की है। सीबीआई ने कहा कि एक दवा के चक्कर में हमारा एक दिन खराब हुआ, सिसोदिया ने उस दवा की मांग की थी। सीबीआई ने रविवार शाम 2021-22 के लिए रद्द की गई शराब नीति के निर्माण और कार्यान्वयन में कथित भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तार किया था। वही दिल्ली सरकार में स्वास्थ्य मंत्री रहे सत्येंद्र जैन फिलहाल मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में तिहाड़ जेल में है। उन्होंने मंगलवार को दिल्ली कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया है। अपनी गिरफ्तारी के एक दिन बाद सिसोदिया ने सीबीआई के कदम को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। इस पर अदालत ने उनसे कहा कि उच्च न्यायालय जाना चाहिए था, जिसके बाद सिसोदिया ने अपना आवेदन वापस ले लिया और कहा कि वह निचली अदालत में जाएंगे।